हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2019 को, उसकी जो पेपर था उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को देखते रहना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने और भी इसमें वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो जल्दी देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर एक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए इंजेशन, बी प्रोपल्शन, सी डाइजेशन एंड सी एलिमिनेशन। राइट आंसर इज ए इंजेशन। सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स आर कॉल्ड ए एंटीजन्स, बी एंटीबॉडीज, सी कंप्लीमेंट एंड डी हिस्टामिन। राइट आंसर इज ए एंटीजन। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एज ए एनाडोनिया, बी एनोसमिया, सी एनोक्सिया एंड डी एफाक्सिया। राइट आंसर इज बी एनोसमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, ए बिटर, बी सोर, सी साल्टी एंड डी स्पाइस। तो इसमें स्पाइस है वो नहीं है, बाकी इसमें ये तीनों प्रजेंट है। द स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी इज ए इलियोफिमोरल लिगामेंट, बी लेक्यूनर लिगामेंट, सी लिगामेंटम फ्लेवम एंड डी इंग्वाइनल लिगामेंट। राइट आंसर इज ए इलियोफिमोरल लिगामेंट। मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बोन इज ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर इज बी कैल्शियम फॉस्फेट। द साइट फॉर नीडल प्रिक इन न्यूनेट फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज ए हील, बी पाम, सी फोर आर्म, डी लेग। राइट आंसर इज ए हील। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द फर्स्ट डोज ऑफ ओपीवी इज गिवन एट बर्थ, एट 6 week, एट 9 month एंड 15 month। तो राइट आंसर इज बी 6 week। फ्रेंड्स, एट बर्थ पे होता है 0 dose, फर्स्ट डोज होती है 6 week पे। तो ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर गलती कर देते हैं। द फोकस ऑफ एडोलोसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCH+A इज ऑल एक्सेप्ट ए स्ट्रेंथ ARSS क्लिनिक, बी एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी, सी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डी कैंसर काउंसलिंग। राइट आंसर इज डी कैंसर काउंसलिंग। द मिनिमम एज एट मैरिज फॉर गर्ल इन इंडिया इज ए 15 year, बी 18 year, सी 20 year एंड डी 21 year। तो राइट आंसर इज बी 18 year। द आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट फॉर एडोलोसेंट इज कलर्ड ए रेड, बी ब्लू, सी ब्लैक, डी ब्राउन। राइट आंसर इज ए रेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCTS, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, मैटरनल एंड चाइल्ड टीचिंग सिस्टम, मदर एंड चाइल्ड टीचिंग सिस्टम, मदर एंड चाइल्ड ट्रीटमेंट शेड्यूल। राइट आंसर इज ए मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर एक्सेप्ट ए कफ फॉर 3 week, फॉर मोर समटाइम विद ब्लड एक्सट्रैक्ट स्पूटम, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो राइट आंसर इज सी वेट गेन। हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा, ए 17, बी 13, सी 14, डी 12। राइट आंसर इज ए 17। फुल फॉर्म ऑफ आशा सभी जानते हैं इसका, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट,
फ्रेंड्स पूरे 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने हैं, तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड बी गिवन फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर? एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, NSAID। राइट आंसर इज सी, पैरासीटामोल। यूजुअल कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज 21%, एक्सपायर्ड ऑक्सीजन होती है 16%। WHO थीम फॉर 2018 वाज, 2018 की है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, एंड 2017 की है डिप्रेशन, लेट्स टॉक, और 2016 की है एग्रेशन एंड एंगर। मैक्सिमम रिजर्वियर ऑफ ब्लड इज कैपिलरीज। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड एट सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा, नन ऑफ द अबोव। राइट आंसर इज सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज ए ब्रेन स्टेम, बी थैलेमस, सी सेरिब्रम, डी हाइपोथैलेमस। राइट आंसर इज सी, सेरिब्रम। द स्पेस बाय विच ड्यूरा मैटर एंड वर्टिकल वॉल ऑफ द नोन एज ए कैविटी, बी एपिड्यूरल, सी सब ड्यूरल, एंड डी सब अरग्नोइड। राइट आंसर इज डी, सब अरग्नोइड। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अक्कर इन द ए ड्यूडिनम, बी जेजुनम, सी ईलियम, डी सीकम। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट आंसर इज ए, ड्यूडिनम। NRHM वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2005। सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज नोन एज हर्नियोप्लास्टी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियक्टोमी, लेप्रोस्कोपी। राइट आंसर इज ए, हर्नियोप्लास्टी। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड? स्टेज 1, 2, 3, and 4। राइट आंसर इज 3, स्टेज 3। The outermost covering of the bone is A. pericardium, B. periosteum, C. peritoneum, and D. perimetrium। Pericardium ये हर्ट की हो गई, periosteum बोन की हो गई, peritoneum abdomen cavity। तो right answer is B, periosteum। The functional unit of the kidney is known as nephron। Which of the following is vitamin B2? Biotin, riboflavin, pyridoxine, niacin। Right answer is B, riboflavin। The only endocrine gland which can store its hormone is A. pituitary, B. pancreas, C. thyroid, D. adrenal gland। Right answer is A, pituitary। Largest antibody is IgG, IgA, IgM, IgE। राइट आंसर इज सी, IgM। द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वन नीड टू एड 9 कैलेंडर मंथ टू द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड देन ऑल्सो एड 7 डेज अकॉर्डिंग टू नेगल्स रूल। फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज नोन एज असेसमेंट। An abnormal slow breathing rate is called as bradypnea, bradycardia, tachypnea, tachycardia, bradypnea। A toxin or other foreign substance that induced an immune response in the body is known as complement, antigen, antibody, all of the above। Right answer is C, antibody। Tobacco addiction is caused due to cocaine, caffeine, nicotine, histamine। Right answer is C, nicotine। Which of the following method is used to administer BCG vaccine? A. subcutaneous injection, B. intradermal scratch injection, C. intravenous injection, D. Z-track injection। Right answer is B, intradermal scratch injection। All of the following are parameters to assess progress of labor except सर्वाइकल डायलेशन,
descent of fetus, fetal heart rate, uterine contraction. The right answer is C, fetal heart rate. World AIDS Day is observed on 1st December. The procedure for removal and ligation of fallopian tube is referred as A, mastectomy, B, vasectomy, C, appendectomy, and D, tubectomy. The right answer is D, tubectomy. The system of storing and transporting vaccine is formed as cold chain, freezer chain, cool chain, and vaccination. Right answer is A, cold chain. The difference between systolic and diastolic pressure is known as pulse pressure. Right answer is D, pulse pressure. Deficiency of which of the vitamin causes scurvy? Vitamin causes scurvy. Scurvy होता है vitamin C की वजह से. One of the major causes for cirrhosis of liver is alcohol abuse, B, drug abuse, C, smoking, D, viral hepatitis. Right answer is A, alcohol abuse. In human, number of spinal nerve is 28 pair, 30 pair, 31 pair, 33 pair. The right answer is C, 31 pair. Which of the following types of fats is considered to be harmful to the body is cis fat, trans fat, polyunsaturated fats, fatty acid or omega 3 fatty acid. Right answer is B, trans fat. Mitosis is a condition of cell breakdown, B, cell division without reduction, C, cell death, D, none of the above. Right answer is B, cell division without reduction. Antibodies are produced by A, plasma cell, B, lymphocyte, C, erythrocytes, D, basophil. Right answer is B, B, lymphocytes. Protein factory in human cell is A, ribosome, B, nucleus, C, cytoplasm, D, Golgi apparatus. Right answer is A, ribosome. Gallbladder is located A, below the liver, B, on right side of liver, C, on left side of liver, D, none of the above. Right answer is A, below the liver. Name of the tissue which is widely and abundantly distributed in human body is A, connective tissue, B, cartilaginous, C, lymph, D, muscular. Right answer is A, connective tissue. Most important nursing action for fracture healing is A, immobilization, B, calcium supplement, C, exercise, D, antibiotics. Right answer is A, immobilization. नर्सिंग एक्शन होगा इमोबिलाइजेशन. मैनेजमेंट की बात करेंगे उसमें मेडिकल मैनेजमेंट में कैल्शियम सप्लीमेंट और एक्सरसाइज होगा लास्ट में फिजियोथेरेपिस्ट के टाइम पे और एंटीबायोटिक होगी हीलिंग के लिए कि इन्फेक्शन ना हो. ये मेडिकल मैनेजमेंट में. द ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा इज IgG, IgD, IgK, IgM. Right answer is A, IgG. In ECG, P wave represent atrial depolarization, QRS ventricular depolarization, and T wave atrial repolarization, atrial repolarization, T wave. The act of deliberately ending a person's life to relieve suffering is called A, tort, B, libel, C, euthanasia, and D, suicide. Right answer is
सी यूथनेसिया। विच ऑफ दीज इज ए पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स इज ए नोजिया, बी हेडेक, सी इरेगुलर ब्लीडिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबोव। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन विल कोज अल्जाइमर्स डिजीज, ए एस्टाइल कोलिन, बी सेरोटोनिन, सी गाबा एंड डी डोपामाइन। राइट आंसर इज ए एस्टाइल कोलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक शुड बी अवॉइडेड बाई नर्स, ए बिलेटलिंग, बी वैलिडेटिंग, सी रिफ्लेक्टिंग, डी लिसनिंग। राइट आंसर इज ए बिलेटलिंग। IUCD स्टैंड फॉर इंट्रा यूरिनरी कम्युनिकेबल डिजीज, इंटरनेशनल इंटेस्टाइनल अल्टेरियर कंटामिनेशन डिटेक्शन, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, नन ऑफ द अबोव। राइट आंसर इज सी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सेम स्टैंड फॉर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट मैनिंजाइटिस, सीवियर एक्वायर्ड माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्वायर्ड मैनिंजाइटिस। राइट आंसर इज ए सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस कैन बी गिवन, टिटनेस इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट बोथ, थ्री डोज ऑफ टिटनेस वन इन ईच मदर एंड बेबी ट्राइमेस्ट्रीज रिकमेंडेड। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है और बाकी ये तीनों सही हैं, इसलिए आंसर होगा इसमें डी, क्योंकि इसमें दो डोज टिटनेस की मदर को देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल अमोंग द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल मूवमेंट अकर्स ड्यूरिंग लेबर एक्सेप्ट एंगेजमेंट रिट्रैक्शन क्राउनिंग और रेस्टिट्यूशन। तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है ये मूवमेंट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा बी। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम MTP एक्ट लीगलाइज्ड इन इंडिया, इन 1971। ऑप्शन में एक 72 भी है, ए 1970, बी 1971, सी 1975 एंड डी 1972। राइट आंसर इज बी 1971। एज पर WHO PPH इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस मोर देन 500 ml। मम्स इज ए डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी प्रोटोजोआ। राइट आंसर इज ए वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस एज क्राउनिंग, ए फर्स्ट स्टेज, बी सेकेंड स्टेज, सी थर्ड स्टेज, डी फोर्थ स्टेज। राइट आंसर इज बी सेकेंड स्टेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, ए लैक्टोजन, बी लैक्टोग्लोबिन, सी केसिन, डी लैक्टोज। राइट आंसर इज सी केसिन। बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन, ए सर्विक्स, बी ओवरी, सी वजाइना, डी यूट्रस। राइट आंसर इज सी वजाइना, लुब्रिकेशन का काम करती है। सॉफ्ट स्पॉट इन द स्कल इन बिटवीन द सूचर इज नोन एज, ए एटीट्यूड, बी वर्टेक्स, सी डायमीटर एंड डी फोंटानेल। राइट आंसर इज डी फोंटानेल। हैंसन डिजीज इज द अदर नेम ऑफ, ए मलेरिया, बी कोलेरा, सी ट्यूबरकुलोसिस एंड डी लेप्रोसी। राइट आंसर इज डी लेप्रोसी। स्नेलन चार्ट इज यूज टू असेस डिफेक्ट इन, ए ईयर, बी नोज, सी आई एंड डी फिंगर। स्नेलन चार्ट है वो आई के लिए
आई को असेस करने के लिए कि उसमें कोई डिफेक्ट है। तो नंबरिंग एक चार्ट होता है जिसमें लिखा होता है ए बी सी डी और 6x6 जो होता है उसका जो नॉर्मल होता है वैसे चेक करते हैं। उसमें कुछ नंबरिंग होती हैं वो रीड करवाते हैं। उसमें अबगार स्कोर 9 मीन्स बेबी कंडीशन इज़ गुड। इसमें मैक्सिमम 10 होता है। ए डिक्रीज बोन डेंसिटी इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, जॉइंट स्टिफनेस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। राइट आंसर इज ए ऑस्टियोपोरोसिस। मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म इन ए चाइल्ड हु इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस इज ए MRI, बी एक्सरे स्पाइन, सी CT स्कैन, डी लंबर पंक्चर। राइट आंसर इज डी लंबर पंक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैक्टर बोर्न डिजीज ए HIV, बी मलेरिया, सी चिकन पॉक्स एंड डी टूबरकुलोसिस। राइट आंसर इज बी मलेरिया। द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाई वाटर एंड फूड एक्सेप्ट ए हिपटाइटिस सी, बी हिपटाइटिस ए, सी कोलेरा, डी पोलियोमाइलाइटिस। राइट आंसर इज ए हिपटाइटिस सी। द अदर नेम ऑफ पर्टुसिस इज ए रूबेला, बी वूपिंग कफ, सी रूबियोला एंड डी डिप्थीरिया। राइट आंसर इज बी वूपिंग कफ। ORS सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम लैक्टेट, सी बाइकार्बोनेट, डी ग्लूकोज। राइट आंसर इज बी कैल्शियम लैक्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन कोज नोजिया एंड वोमिटिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या है, ये HCG है, उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग जो फीमेल के अंदर दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा HCG। हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी है सुश्रुत, ए चरक, बी सुश्रुत, सी हिप्पोक्रेट्स, डी धन्वंतरी। राइट आंसर इज बी सुश्रुत। टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर, मास्टोइडेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी, लोबेक्टोमी, कोलोस्टोमी। राइट आंसर इज बी कोलेसिस्टेक्टोमी। फॉलोइंग आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर TB एक्सेप्ट ए आइसोनियाजाइड, बी इथाम्बुटोल, सी साइक्लोसेरिन, डी रिफाम्पिसिन। राइट आंसर इज सी साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन है वो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन जो TB की है उसकी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। एज ए नर्स यू शुड वियर ग्लव्स फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्टार्टिंग एंड IV इन्फ्यूजन, गिविंग द न्यूबॉर्न ए फर्स्ट बाथ, सी चेंजिंग ए न्यूबॉर्न डायपर। राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबोव। इन तीनों कंडीशन के अंदर नर्स है वियर ग्लव्स करेगी। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इन्फेक्शन इन यंग मेल चाइल्ड इज ए ओरचाइटिस, बी ओफ्राइटिस, सी पेरिटोनाइटिस एंड डी मेनिंगो एनसेफलाइटिस। राइट आंसर इज डी मेनिंगो एनसेफलाइटिस। यंग अडल्ट के अंदर, यंग मेल चाइल्ड है, एक यंग अडल्ट के अंदर होता है ओरचाइटिस, यंग मेल चाइल्ड के अंदर है मेनिंजाइटिस और एनसेफलाइटिस, तो मेनिंगो एनसेफलाइटिस डी इसका राइट आंसर होगा। 0.45% सेलाइन इज ए हाइपोटोनिक सेलाइन, आइसोटोनिक सेलाइन, हाइपरटोनिक सेलाइन या सेमी आइसोटोनिक सेलाइन। राइट आंसर इज बी हाइपोटोनिक सेलाइन। आइसोटोनिक 0.9% और 0.9% से अबोव होगा वो हाइपरटोनिक, और 0.8
9% से कम होगा वो हाइपोटोनिक, और 0.9% आइसोटोनिक। एक्सेस यूरिन आउटपुट इज नोन एज हिमेचोरिया, बी पोली यूरिया, सी प्रोटीन यूरिया, डी पाई यूरिया। राइट आंसर इज बी पोली यूरिया। एक्सेसिव यूरिन आउटपुट पोली यूरिया, हिमेचोरिया ब्लड इन यूरिन, प्रोटीन यूरिया ब्लड इन सॉरी प्रोटीन इन यूरिन, और पाई यूरिया पस इन यूरिन। डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट इन द वेन इज नोन एज वास्कुलाइटिस, स्पाज, थ्रोम्बोसिस और स्टेनोसिस। राइट आंसर इज सी थ्रोम्बोसिस। शॉर्ट स्टैचर इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ऑर्थोपेडिक, बी कार्डियक, सी मेटाबॉलिक, डी साइकेट्रिक। राइट आंसर इज ए ऑर्थोपेडिक। शॉर्ट स्टैचर मतलब बोनापन, जो शरीर की हाइट कम होगी उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टैचर। राइस वाटर स्टूल आर ऑब्जर्व इन टाइफॉइड, बी कोलेरा, सी फूड पॉइजनिंग एंड डी अमेबिक डिसेंट्री। राइस वाटर स्टूल इज कोलेरा, टाइफॉइड के अंदर पीस ऑफ स्टूल और अमेबिक डिसेंट्री के अंदर होता है आरबीसी विद स्टूल विद आरबीसी। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इज ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो राइट आंसर इज ए विटामिन ए, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। द मेन सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज ए यूरिया, बी ग्लूकोज, सी एग्लोटीन, डी यूरोब्लिनोजन। राइट आंसर इज ए यूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन बोन रिजॉर्प्शन, ए कोंड्रोसाइट, बी ऑस्टियोब्लास्ट, सी ऑस्टियोक्लास्ट एंड डी ऑस्टियोसाइट। राइट आंसर इज सी ऑस्टियोक्लास्ट। लाइट रे एंटरिंग द आईज आर कंट्रोल्ड बाई ए प्यूपिल, बी आयरिस, सी कॉर्निया, डी लेंस। राइट आंसर इज बी आयरिस। इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी लॉस्ट, ए एक्टिव इम्यूनिटी, बी पैसिव इम्यूनिटी, सी ह्यूमरल इम्यूनिटी, डी सेलुलर इम्यूनिटी। राइट आंसर इज सी ह्यूमरल इम्यूनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर, ए सीटी स्कैन, बी MRI, सी EEG एंड डी एक्सरे। राइट आंसर इज सी EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। CT कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। कॉलेज फ्रैक्चर रेफर्स टू द इंजरी ऑफ शोल्डर जॉइंट, बी नी जॉइंट, सी रिस्ट जॉइंट एंड डी एल्बो जॉइंट। राइट आंसर इज सी रिस्ट जॉइंट। जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडेटरी वेरिएशन या फिर ऑल ऑफ अबोव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबोव। जेनेटिक्स के अंदर जीन्स की हेरिडेटरी और वेरिएशन तीनों की स्टडी की जाती है। ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय ए हाइपोथैलेमस, बी एड्रिनल ग्लैंड, सी पैनक्रियाज एंड डी थायरॉइड। राइट आंसर इज ए हाइपोथैलेमस। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंडिकेट्स ए फीटल डिस्ट्रेस, बी RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, सी पोस्ट मैच्योरिटी, डी IUD। राइट आंसर इज ए फीटल डिस्ट्रेस। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन फैलोपियन ट्यूब इज ए एम्पुला, बी इस्थमस, सी फिम्ब्रियल एंड डी नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर इज एम्पुला। तो फ्रेंड्स ये था UPNHM 27 जनवरी 2019 का पेपर। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा। इस पेपर के अंदर हेल्प की है प्रमोद यादव, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली, जिन्होंने मेरी हेल्प की है इस पेपर के अंदर। तो स्पेशल उनके लिए भी थैंक्स। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताना, हम आपका रेस्पॉन्स
ज़रूर देंगे। और यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।